This is what a usual month looks like. This is what happens when we get our salary. Or फिर जब रिटायरमेंट का टाइम आया बट थैंकफुली समवन हैड फिगर्ड इट आउट. 1929 में ब्रिटिशर्स केम अप विद दिस आइडिया कि कोल माइन वर्कर्स के लिए एक प्रोविडेंट फंड स्कीम होनी चाहिए. और फिर 1948 में जाके कोल माइंस प्रोविडेंट फंड स्कीम वॉज लॉन्च्ड. और फिर इसके सक्सेस को देखते हुए अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग प्रोविजन फॉर सच फंड. एंड फाइनली इन 1952 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट वॉज फ्रेम्ड. तो प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी का 12% अलग से जमा करा देता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में. एंड एम्प्लॉय खुद भी अपनी सैलरी का 12% जमा करा देता है अलग से प्रोविडेंट फंड में. एंड एवरी मंथ इन दोनों अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता रहता है. वो इंटरेस्ट उस पर अक्रू होता है बट अभी आपको मिलता नहीं है. वो रिसीव नहीं होता मंथली बट उस अकाउंट में अक्यूमुलेट होता रहता है. एंड देन जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो यही सारा अमाउंट एम्प्लॉय को मिल जाता है. एंड इस अमाउंट में मिला होता है जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो एम्प्लॉय ने खुद जमा कराया था, और इन दोनों अमाउंट्स के ऊपर जितना इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तो प्रोविडेंट फंड का पर्पस ही ये होता है कि जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए तो उस टाइम पे उसके पास एडिक्वेट फंड हो टू लीड अ गुड लाइफ. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि एम्प्लॉय कौन से सेक्टर में काम करता है उस हिसाब से प्रोविडेंट फंड को चार पार्ट्स में बांट सकते हैं. फर्स्ट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. तो अगर एम्प्लॉय ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है जो गवर्नमेंट ही मैनेज करती है. अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाए तो कंपनीज के पास ये ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट वाला था उसी का ही एक पार्ट बन सकती है एंड अपना प्रोविडेंट फंड वो गवर्नमेंट के पास ही रखवा सकती है. तो भले वो प्राइवेट सेक्टर है बट स्टिल उसका जो प्रोविडेंट फंड का अकाउंट है वो गवर्नमेंट के पास ही होगा. एंड दूसरा ऑप्शन कंपनीज के पास ये होता है कि वो चाहे तो वो अपना खुद का ही एक फंड बना सकती है और ये फंड वो खुद ही मैनेज करती है. एंड दिस फंड इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. तो ये दो ऑप्शन होते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास, या तो गवर्नमेंट वाले में चला जाए या फिर अपना खुद का फंड बना ले. बट कंपनी अगर खुद का एक फंड बनाती है इन दैट केस उसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से अप्रूवल लेना पड़ता है. एंड एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे कमिश्नर ये डिसाइड करता है कि भाई वो अप्रूव करेगा आपके फंड को या वो नहीं करेगा. तो अगर वो कंपनी के इस फंड को अप्रूव कर देता है तब हम उसे बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, विच इज आवर सेकंड टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट. एंड वहीं अगर कमिश्नर कंपनी का फंड अप्रूव नहीं करता है फिर वो बन जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड होता है. तो बहुत ही सिंपल है, अगर कमिश्नर ने अप्रूव किया तो भाई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अगर उसने अप्रूव नहीं करा तो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड. एंड इस अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अपने ही रूल्स होते हैं और वो क्या रूल्स होंगे वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी. फिर क्या हुआ ना कि देखते ही देखते ये जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये धीरे धीरे सबको पता चलने लग गई. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. एंड जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे उनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगने लगा. बट इन स्कीम्स में उनके लिए तो कुछ था ही नहीं ना, बिकॉज वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड थे. एंड अभी तक जो हमने प्रोविडेंट फंड्स डिस्कस करे वो तो भाई अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो उस पर डिपेंड करता था. तो वो तो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए थी बट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं था. इसलिए इन लोगों का दर्द समझते हुए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन 1968 एंड दिस इज आवर फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट. सो इस टाइप का प्रोविडेंट फंड अकाउंट गवर्नमेंट ने बनाया था फॉर स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी. तो इसमें जो लिमिट है वो है मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 1,50,000. तो इतना अमाउंट एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी का बंदा उसमें डिपॉजिट कर सकता है. एंड देन लेटर जब ये अमाउंट वो विड्रॉ करता है विद इंटरेस्ट तो वो सारा टैक्स फ्री होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है एंड क्या है उसके अलग अलग टाइप्स. सो करेंटली इवन इफ यू डोंट हैव अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट ट्राई टू एस्टैब्लिश अ हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, वरना पता चला रिटायरमेंट के टाइम पे It's my life.